स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके लिए लास्ट जो मीटिंग थी उसमें 7.9.4 एग्जांपल आपको करवा दिया गया था, इस मीटिंग में आपके लिए एग्जांपल 7.9.5 को सॉल्व करवाएंगे। और ये है इसमें जेड इक्वल टू जीरो से, जेड इक्वल टू जीरो, जीरो का मतलब जीरो जीरो, जीरो से जेड इक्वल टू चार प्लस दो आयोटा, इसका मतलब है एक्स का मान चार वाई का मान दो तक समाकल, तक समाकल जेड बार डी जेड कंटूर सी का मान ज्ञात करिए जहां वक्र सी निम्न प्रकार से लिया गया है। इसमें दो पार्ट है इसके, पहला और दूसरा। ए पार्ट पहले समझेंगे, जेड की वैल्यू है टी स्क्वायर प्लस का आयोटा टी। ओके, अब देखिए यहाँ आपको पता है जेड का मतलब एक्स प्लस आयोटा वाई है जो कि टी स्क्वायर प्लस आयोटा टी के इक्वल हो गया। अब यहाँ से एक्स बराबर देखें तो टी स्क्वायर और वाई बराबर देखें कंपेरिजन करें तो टी, लेकिन जैसा कि डायग्राम अगर बनाया जाए इसका तो आपसे जो वैल्यू पूछी है वो एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, यहाँ जेड बराबर जीरो से चार दो तक, ये जीरो जीरो और चार दो होगा कहीं मान लीजिए यहाँ। ओके, ये हो गया जैसे कि 4-2। तो अब आप क्या करेंगे, आपको पता है कि हमसे 0-0 से 4-2 तक सीधे समाकल पूछा है, इसके लिए आप क्या करोगे, सेम प्रोसेसिंग रहेगी, जेड बार का मान सबसे पहले तो आपको लिमिट निकालनी है टी की, तो आप देखेंगे 0-0 पर का मतलब है कि x का भी मान 0 और y का भी मान 0, x इक्वल टू 0 तो t स्क्वायर 0, यानी 0-0 पर t स्क्वायर 0 और t 0। शॉर्ट में कहें तो ये कह सकते हो अगर x की जगह 0 लिखोगे तो t स्क्वायर बराबर 0 आएगा, और y बराबर 0 रखोगे, y का मान 0 रखोगे तो भी t बराबर 0। तो फाइनली दोनों से क्या रिजल्ट निकला, टी इक्वल टू जीरो। दूसरा देखिए 4,2 पर, 4,2 का मतलब है एक्स का मान 4 रखोगे और वाई का मान 2 रखेंगे, तो यहां से वैल्यू निकलेगी टी की प्लस माइनस 2, टी इक्वल टू निकलेगा यहां से प्लस माइनस 2 और ये है टी की वैल्यू 2। तो इनमें जो कॉमन मान है ना, 2 कॉमन रहा, प्लस माइनस 2 है और ये 2 है, तो इन दोनों में जो कॉमन वैल्यू है वो क्या है, 2 है। अब देखिए आप इसमें टी की वैल्यू ये 2 निकल आई है, टी की वैल्यू 0 से लेकर के 2 हो जाएगी, तब आपसे जो समाकल पूछा है वो है कंटूर सी जेड बार डी जेड, तो आप इसको लिख सकते हो कंटूर सी जेड बार का मतलब है, देखिए जेड होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो जेड बार हो जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई, ठीक है ना। और यहाँ dz की जो वैल्यू बनेगी वो आएगी dx प्लस आयोटा dy। आप यहां से देखेंगे x की वैल्यू t स्क्वायर है, तो dx की जो वैल्यू बनेगी dx बराबर आएगा 2t dt, और dy निकालोगे तो ये बनेगा dt। इन वैल्यूज को यहाँ रखेंगे कंटूर सी, x की जो वैल्यू है x, x बराबर है अपने पास t स्क्वायर माइनस आयोटा बाई, बाई की वैल्यू है अपने पास टी, साथ में डी एक्स, डी एक्स की वैल्यू है अपने पास टू टी डी टी, प्लस आयोटा डी वाई, डी वाई की जो वैल्यू है वो है डी टी। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों में से डी टी को बाहर निकालेंगे, ये बना टी स्क्वायर माइनस आयोटा टी, डी टी में कन्वर्ट हो गया, टी की जो लिमिट है वो जीरो से लेकर के दो तक है, टी बराबर जीरो से और टी बराबर दो, और टी स्क्वायर माइनस आयोटा टी। और यहां से अगर डी टी को कॉमन लिया जाए तो टू टी प्लस आयोटा बचेगा, टू टी प्लस आयोटा और डी टी बाहर। अब देखिए हमें केवल इसका गुणा करना है, और ये रही लिमिट जीरो से दो, टी स्क्वायर का गुणा टू टी से करेंगे तो टू टी क्यू, और देखिए आयोटा टी का गुणा आयोटा से करेंगे तो ये बनेगा प्लस का टी, क्योंकि आयोटा वर्ग माइनस एक होगा, माइनस माइनस प्लस,
रियल पार्ट लिख दिया, अब इमेजिनरी पार्ट देखेंगे। टी स्क्वायर का गुणा आयोटा से करेंगे तो टी स्क्वायर आएगा, माइनस आयोटा टी का गुणा टू टी से करेंगे तो टू टी स्क्वायर आएगा। ओके, साथ में डी टी, यह बन जाएगा लिमिट जीरो से दो, टू टी क्यू प्लस टी, यहाँ से टू टी स्क्वायर माइनस का और प्लस का टी स्क्वायर, तो माइनस का टी स्क्वायर आयोटा बना और साथ में डी टी। अब आप देखिए यहाँ टू टी क्यू प्लस टी है, समाकलन करना है हमें टी के रेस्पेक्ट में, तो ये टी फोर अपॉन फोर आएगा, फोर को टू से डिवाइड करोगे तो टी फोर अपॉन टू बना, टी का करेंगे तो ये बनेगा टी स्क्वायर बाई टू। लिमिट चाहो तो एक साथ लगा दो, अन्यथा अलग अलग लगा दो, जीरो से टू माइनस आयोटा इस टी स्क्वायर को अगर लिखें तो टी क्यू बाई थ्री होगा, इस पर लिमिट अलग लगा दो जीरो से टू। सॉल्व कर देंगे आप इसको, दो लिखोगे तो दो का दो की घात चार सोलह होगा, सोलह बटे दो यानी आठ, यहाँ दो लिखेंगे तो दो का वर्ग चार, चार में दो का भाग दिया दो तो आठ और दो दस, दो लिखेंगे तो ये बनेगा आठ बटे तीन आयोटा। ये इसका पार्ट फर्स्ट हुआ, इसका आप स्क्रीनशॉट लें, सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लें इसका। अब इसका सेकंड पार्ट समझेंगे आप, गुड आफ्टरनून भाई विवेक, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो सभी। नेक्स्ट इसका बी पार्ट समझेंगे अब, इसका सेकंड पार्ट। और ये सेकंड पार्ट है इसमें, बी पार्ट में आपसे कहा है कि पहले जेड इक्वल टू जीरो, जीरो मीन्स जीरो जीरो से जेड इक्वल टू टू आयोटा, मतलब जीरो कॉमा दो तक। इसके बाद में कहा है तथा जेड इक्वल टू टू आयोटा, टू आयोटा मतलब जीरो कॉमा दो से जेड इक्वल टू चार प्लस दो आयोटा तक, चार प्लस दो आयोटा का मतलब है चार कॉमा दो तक, रेखा समा इस रेखा का समाकलन ज्ञात करो। तो यानी आपको पहले डायग्राम बनाना होगा, एक्स अक्ष वाई अक्ष, यहाँ जीरो जीरो और यहाँ हो गया चार दो, और ये बन जाएगा यहाँ, यहाँ से लंब डालें तो ये बनेगा जीरो कॉमा चार, वाई की वैल्यू दो, जीरो दो। ओके, जीरो टू बन गया ना, इसको ओ नाम दे दें, इसको पी कह दें, इसको एम पॉइंट दे दें, तो आप देखेंगे जीरो जीरो से जीरो दो तक, तो जीरो जीरो से जीरो दो तक, फिर जीरो दो से, फिर जीरो दो से चार दो तक, यानी पहले वाई अक्ष के अंदर फिर एक्स अक्ष के अंदर चलना होगा आपको। ऐसा करने के लिए, ऐसा करने के लिए क्या करेंगे हम, जैसे जैसे कंडीशन दी है वैसे वैसे आपको करना होगा। अब काल्पनिक अक्ष के अंदर, काल्पनिक अक्ष के अंदर चलेंगे आप, काल्पनिक अक्ष के अनुदिश, और जब देखेंगे काल्पनिक अक्ष के अनुदिश तो जेड का मान क्या होगा। अच्छा देखिए, इस काल्पनिक अक्ष पर चलोगे तो इस पर एक्स इक्वल टू क्या है, जीरो, तो यहाँ एक्स इक्वल टू जीरो, तो जेड का मान बनेगा एक्स प्लस आयोटा बाई, मतलब जीरो प्लस आयोटा बाई,
और जो डी जेड होगा वो बन जाएगा आयोटा डी बाई। ओके, अब वास्तविक अक्ष के अनुदेश चलें, वास्तविक अक्ष के अनुदेश, तो वास्तविक अक्ष के अनुदेश का मतलब है इस लाइन एक्स अक्ष के अनुदेश, एक्स अक्ष के अनुदेश चलोगे ना आप, तो आप देखेंगे कि ये जो लाइन है वो है वाई बराबर दो, वाई बराबर दो, तो जेड का जो मान होगा वो बनेगा एक्स प्लस टू आयोटा, और यहाँ से जब डी जेड निकालेंगे तो ये आ जाएगा डी एक्स के इक्वल, डी जेड की वैल्यू बन जाएगी इक्वल टू डी एक्स के। अब आपसे जो वैल्यू निकलवाई है जेड बार डी जेड की, कंटूर सी इक्वल टू, तो आपको पहले ओ एम के अनुदेश चलना है जेड बार डी जेड, फिर आपको एम पी के अनुदेश चलना है जेड बार डी जेड। जब आप ओ एम के अनुदेश चलोगे तो जेड बार की जो वैल्यू है, देखो जेड का मान है आयोटा बाई, तो जेड बार क्या होगा माइनस आयोटा बाई। अच्छा, डी जेड क्या है आयोटा डी बाई, आयोटा डी बाई। अब डी बाई है तो बाई की लिमिट रहेंगी ना, बाई की लिमिट कितनी है यहाँ, जीरो से लेकर के दो तक, फिर एफ प्लस का जेड बार डी जेड। आप देखोगे कि इस एम पी के अनुदेश जेड बार की जो वैल्यू है, जेड का मान एक्स प्लस टू आयोटा है, तो जेड बार हो जाएगा एक्स माइनस टू आयोटा, साथ में डी जेड की वैल्यू है डी एक्स, तो यानी आप एक्स की लिमिट लगाओगे ना, डी एक्स है तो एक्स की लिमिट है जीरो से लेकर के चार तक, एम पी के अनुदेश जीरो से लेकर के चार तक। देखिए आयोटा का वर्ग आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का वर्ग माइनस एक, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ ओनली बाई बचेगा, बाई का समाकलन करोगे तो बाई स्क्वायर बाई टू और लिमिट जीरो से टू प्लस, यहाँ एक्स माइनस टू आयोटा का करोगे तो एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, माइनस टू आयोटा का करोगे तो टू आयोटा एक्स, लिमिट है ये जीरो से फोर। अब आप इसको लिमिट लगाएं, दो का वर्ग चार, चार में दो का भाग दोगे दो आएगा और माइनस जीरो, तो ये तो बन गया दो प्लस चार, लिखोगे चार का वर्ग सोलह बटे दो आठ, आठ माइनस का आठ आयोटा, क्या बना प्लस का आठ माइनस आठ आयोटा। ओके, और आप जीरो लिखोगे तो ये जीरो हो जाएगा, आप देखेंगे आठ और दो दस, दस माइनस का आठ आयोटा बन जाएगा ये। ये इसका बी पार्ट सॉल्व हुआ, ए और बी पार्ट आपको सॉल्व करा दिए गए हैं इसके एग्जांपल नंबर फोर्थ के। नेक्स्ट देखेंगे एग्जांपल नंबर फिफ्थ। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें सभी स्टूडेंट। स्क्रीनशॉट लें सभी। अब देखिए साथ चलेंगे सभी। अब देखिए आप इसमें नेक्स्ट एग्जांपल नंबर फिफ्थ, ये तो फोर्थ था, फिफ्थ था लला, हाँ नेक्स्ट आप देखेंगे एग्जांपल नंबर 7.9.6, 7.9.6 इसमें कहा है कि जेड स्क्वायर का समाकल रेखा ओ एम के परतह ज्ञात करो, ओ एम के परतह जेड स्क्वायर का समाकल ज्ञात करो। ओके, आगे कुछ कहा है तथा पथ ओ एल एम के अनुदेश ज्ञात कीजिए, ओ एम के अनुदेश तथा ओ एल एम के अनुदेश, मतलब दूसरा और पूछा है तथा ओ एल एम के अनुदेश इस जेड स्क्वायर का समाकल और ज्ञात करो, फिर भी कुछ हमसे कहा है इसमें, जबकि ओ एल एम दो सरल रेखाखंड ओ एल तथा ओ एम से बना है, जहां ओ मूल बिंदु है, दो रेखाखंड ओ एल मान लीजिए ये एल है, ओ एम मान लीजिए यहां एम है से बना है, ओ एल और ओ एम से बना है, दो सरल रेखाखंड ओ एल तथा ओ एम से बना है जहां ओ मूल बिंदु है, तथा एल एवं एम बिंदु क्रमशः जेड बराबर तीन,
देखिए मान लीजिए जेड बराबर तीन, बिंदु हैं, बिंदु एल है, जेड बराबर तीन, और एम जेड बराबर तीन प्लस आयूटा, जेड बराबर तीन प्लस आयूटा, समझे। इसका मतलब हुआ एल जो पॉइंट है ना उसका मान 3.0, एक्स का मान 3/0, और एम का मतलब है 3.1, ये है 3.1, ठीक है ना, मतलब एक्स 3/1। और आगे का है फलत है सिद्ध कीजिए कि ओ एल एम ओ के अंदर जेड स्क्वायर का समाकल शून्य है, और ये भी सिद्ध करवाया है, ये भी सिद्ध करवाया है, सिद्ध करना है कि ओ एल एम ओ के अनुदिश जेड स्क्वायर डी जेड की जो वैल्यू है फाइनल वैल्यू वो है 0 के इक्वल। इसकी वैल्यू क्या है? 0 के इक्वल। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले ओ एम के अंदर पूछा है तो ओ एम के अंदर वैल्यू निकालते हैं। आप देखेंगे ओ एम ओ से लेकर के एम तक की दूरी, तो ओ एम के अंदर से इसका समाकल ज्ञात करेंगे ना, ओ एम के अनुदिश समाकल। तो इस ओ एम के अंदर समाकल निकालने के लिए ओ एम का समीकरण चाहिए, क्योंकि ओ एम का समीकरण देखिए ये ओ पॉइंट है वो 0-0 है, आपको पता है किसी को एक्स वन वाई वन और किसी को एक्स टू वाई टू मानो, तो आपको पता है फॉर्मूला वाई माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू में एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है ना, ये हो गया ना। अच्छा अब देखिए वाई माइनस वाई वन का मतलब वाई माइनस वाई वन, किसी को वाई वन वाई टू मानो, वाई वन का मतलब 0, फिर है इक्वल में वाई टू माइनस वाई वन वाई टू यानी 1 माइनस 0 बटे एक्स टू माइनस एक्स वन यानी 3 माइनस 0 और इंटू में एक्स माइनस एक्स वन यानी 0। वाई बराबर क्या आया? 1/3x यानी एक्स बराबर क्या आया? 3y, तो यानी डी एक्स बराबर क्या आया? डी एक्स बराबर रहा 3dy, कोई दिक्कत। इन सभी मानों को जैसा कि आपसे कहा है कि जेड स्क्वायर डी जेड का मान ज्ञात करो, अब ओ एम के अनुदिश जेड स्क्वायर डी जेड निकालना है, तो ओ एम के अनुदिश जेड का मतलब है एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर, और डी जेड का मतलब है डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई, ठीक है ना। ओ एम के अनुदिश जेड स्क्वायर, देखो एक्स की जगह कितना रखना है 3y, तो यहाँ एक्स की जगह 3y प्लस का आयोटा वाई स्क्वायर है तो स्क्वायर, और डी एक्स का मतलब क्या है 3dy और प्लस का है ये आयोटा डी वाई। ओके, आप देखेंगे अब ये डी वाई और वाई वाई में ही चेंज हो गया ना पूरा, और वाई में चेंज हो गया तो वाई की लिमिट क्या है ओ एम के अनुदेश 0 से लेकर के 1, तो आप यहाँ कंडीशन लगा सकते हो, लिमिट लगा सकते हो 0 to 1, इसमें से वाई को कॉमन लें तो वाई स्क्वायर बनेगा ना, क्या बचा 3 प्लस आयोटा का वर्ग, और यहाँ से डी वाई कॉमन लिया तो 3 प्लस आयोटा डी वाई बाहर इक्वल में 3 प्लस आयोटा का क्यूब हो गया ना, ये 3 प्लस आयोटा का क्यूब, और ये वाई स्क्वायर और डी वाई 3 प्लस आयोटा का क्यू। अब वाई स्क्वायर का समाकलन करोगे तो वाई क्यू अपॉन 3 लिमिट 0 to 1, एक लिखेंगे तो एक आएगा, 0 लिखने पे 0 आएगा, तो मतलब ये है कि समाकलन 1/3 3 प्लस आयोटा का क्यूब ये बना। ओके, सभी स्क्रीनशॉट लो इसका, एक आंसर तो निकल आया अभी। अब पूछा है आगे दूसरा आंसर कि ओ एल एम के अनुदेश, ओ एल एम के अनुदेश समाकल, ओ एल एम के अनुदिश समाकल ज्ञात करो, तो अभी इसका ओ एल एम के प्रत है इंट्रीगेशन निकालेंगे, इंट्रीगेशन मैडम चलें। क्या दोबारा दोबारा इसमें
ओ एल एम के अनुदेश इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो आप यानी ओ एल एम के अनुदेश अगर इंटीग्रेशन निकालें तो वो इसका सेकंड पार्ट होगा, आपका जो लास्ट जो फाइनली जो रिजल्ट आया था ना 1/3 3+i का क्यूब, इसको थोड़ी देर के लिए माइंड में रखोगे। अब देखिए आप, अब ओ एल एम के अनुदेश समाकल, तो आप देखेंगे ओ एल के अनुदेश वास्तविक अक्ष ओ एल के अनुदेश समाकल, तो ओ एल के अनुदेश निकालेंगे ना तो आप देखेंगे इस अक्ष पे ओ एल पर y0 y = 0, तो z बराबर जो बनेगा वो आएगा x + i / y, y की जगह 0 रखोगे तो dz बराबर में dx बनेगा। ओके नेक्स्ट, काल्पनिक अक्ष जिसको कि आप lm कहें, lm के अनुदेश आपको पता है कि x की जो वैल्यू होगी ना, ये वाली लाइन x = 3 है, तो आपको पता है z = 3+i/y, dz बराबर में i/dy, अतः कंटूर सी z²dz बराबर, और ये बनेगा पहले ओ एल के अनुदेश z²dz, फिर आएगा ये एल एम के अनुदेश z²dz, तो जो ओ एल के अनुदेश बनेगा ना, ओ एल के अनुदेश जब आप कंडीशन लगाओगे तो जेड की जो वैल्यू है वो है एक्स के इक्वल और डी जेड की वैल्यू है डी एक्स के इक्वल, तो एक्स की लिमिट लगानी है आपको 0 से 3 प्लस प्लस प्लस। अब देखिए एल एम के अनुदेश निकालोगे यानी बाई एक्स के अनुदेश, और बाई एक्स के अनुदेश निकालोगे तो जेड की वैल्यू है 3+i/y, तो यहाँ लिखोगे 3+i/y, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, और डी जेड की वैल्यू है अपने पास i/dy, और यहाँ जो लिमिट है वो है बाई की 0 से लेकर के 1। ओके 0 से 1 आपको कुछ नहीं है समाकलन करना है इसका, तो ये बन जाएगा बराबर में, आप जब एक्स स्क्वायर का करोगे तो ये बनेगा x³/3, कितना बनेगा x³/3 यानी 1/3 x³, लेकिन लिमिट है 0 से 3 प्लस 3+i/y का करोगे तो आयोटा का भाग लगेगा, आयोटा ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 3+i/y³, अर्थात ऐसे भी कह सकते हैं 1/3 3+i/y³, और लिमिट है इसकी 0 to 1। जब आप लिमिट लगाओगे तीन, यहाँ 3 लिखोगे 3^3 27 में 3 का भाग गया 9, 0 लिखने पे 0 हो गया प्लस, अब आप 1 लिखोगे तो ये बनेगा 1/3 3+i/q, माइनस 0 लिखोगे ये 0 3^3 27/3 9, इस 9 से 9 कट गया तो ये बना 1/3 3+i/q। ओके तो ये वैल्यू हो गई कंटूर सी z²dz की वैल्यू, कंटूर सी एम्प्लाइज कंटूर सी z²dz, इसकी वैल्यू 1/3 3+i/q बना। अब आप क्या करेंगे कि दूसरा आंसर तो ये हो गया, कंटूर सी कह दो या फिर ओ एल एम के अनुदेश निकाला है ना हमने, ओ एल एम भी कह सकते हो आप इसको, इंटीग्रेशन अबाउट ओ एल एम, तो ये ओ एल एम के अनुदेश हो गया। अब आप समझेंगे इसमें कि आपको जो समाकलन निकालना है ना, अभी ओ एल एम ओ के अनुदेश और निकालना है, अब ओ एल एम ओ के अनुदेश तथा ओ एल एम ओ के अनुदेश समाकल के अनुदेश समाकल ये बराबर बनेगा, या तो ऐसे लिख दो या फिर आप मैथमेटिकली लिख दो आप। अब इंटीग्रेशन ओ एल एम ओ z²dz प्लस इक्वल में ओ एल एम
जेड स्क्वायर डी जेड प्लस ओ एम जेड स्क्वायर डी जेड। तो यानी कहने का मतलब ये रहा, अगर आप ओ एल एम ओ के अनुदिश निकालोगे तो पहले ओ एल एम के अनुदिश जो आया समाकल जो कि कितना है, ओ एल एम के अनुदिश एक बटे तीन बराबर एक बटे तीन, तीन प्लस आयोटा का क्यूब, और फिर है ओ एम के अनुदिश। देखिए ओ एम के जो अनुदिश निकलाना वो भी मान उतना ही निकला था ओ एम के अनुदिश, लेकिन हम टोटल ओ एल एम ओ एल एम ओ के अनुदिश, ओ के अनुदिश उल्टा विपरीत डायरेक्शन हो गई ना, तो विपरीत डायरेक्शन हो गई, तो ओ एम की वैल्यू को माइनस का एक बटे तीन तीन प्लस आयोटा का क्यूब लिखोगे, इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे, फाइनली जो रिजल्ट बनेगा वो जीरो बनेगा। ओके फाइनल जो रिजल्ट रहेगा वो क्या रहेगा, जीरो। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लें और क्लास को एक बार रिजॉइन करें। क्लास को रिजॉइन करोगे इसका आप स्क्रीनशॉट लो सभी। ओके okay.